अच्छा, मंडी में ब्लॉक 7 ही है ये, जहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाई है, एक दो व्यापारी से रेट लेके पूछे हैं। और ब्लॉक 7 में ये एक व्यापारी आए हैं, 22 नुकरे लेकर आए हैं। उमर भाई जो है हमारे इंटरटेनमेंट चैनल वाले, उन्होंने भी इनकी वीडियो बनाई है, तो वो रेट्स ले चुके हैं। आप उमर भाई के चैनल पर इनकी पूरी अपडेट डिटेल में देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ किसी और व्यापारी से रेट लूँ, ताकि उनके जो है वो आपको पता चले। इनके लिए आप मेरी टीम में होते हैं, उमर भाई इंफोटेनमेंट उनका चैनल है, उनके चैनल पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। जब कल जो सौदा हुआ था वहाँ पे हम कर रहे थे जर्नल ब्लॉक में, दो बच्चियों का जो सौदा हुआ था, ये उससे बड़ी है, छोटी? हाँ छोटी है उनसे ना, वो हाइट में गोल मटोल ज़्यादा थी ना। तो 170 आप मांग रहे हैं, कितने की देंगे फाइनल? हम बोलते हैं इसके 31। 31 सही बोले आप, सही बोले ना, 80-85 तो नहीं लगाए आपको? आप बताएं फाइनल कितने की देंगे आप? फाइनल 1.5 में हो, बस 1.5 में। ये वाली भी अपनी है, ये भी है। कितने की है ये? ये 80 की, दांतों में 2 है, ये भी फाइनल 1.5 में देंगे। और लाल वाला जो बछड़ा है अपना, वो 2.5 का है। अच्छा, 2.5 लाख छोटे से ज़्यादा है। बच्चियाओं के रेट मुझे थोड़े, ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल, लेकिन आपने मांगे कुछ ऐसे हैं कि मुझे लगा रहा है कि सौदा बन सकता है, लेकिन जो भी मांगे, हाँ मांगे कुछ ऐसे हैं कि बंदा सोचे कि हाँ यार ये सौदा बनाने के मूड में लग रहा है। आप कहीं भी मांग रहे? और कितने बेचे अभी तक? मैंने एक भी नहीं बेचा अभी, नहीं कल परसों ही उतरा है माल। अच्छा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बिकेगा। ये छोटी वाली जो है इसके बराबर में जो खड़ी है, वो 160 की है। 160 की है अपना, थोड़ा सा माल है आपका, तो और भी आएगा, और आएगा, अभी आएगा। 160 की है। चलो भाई, हम तो बनाते हैं मंडी में वीडियो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। और हमने अपना एक जानवर लिया है माशाल्लाह, ये करीब ही खड़ा हुआ है मंडी में, ये ख़रीद लिया है। लेकिन बाकी अब ये देख रहे हैं, कोई छोटी मोटी बच्चियाँ मिल जाए ना अगर मुनासिब पैसों में, तो क्या बताओ, वो भी इंशाल्लाह। लेकिन 160 वाली जो है ये कितने की होगी फाइनल? में नहीं नहीं 1.5 की, तो ये भी आप 1.5 की कर रहे हो, फिर ये भी 1.5 की कर रहे हो, और उसमें इस सबसे छोटी है ना इन तीनों में, छोटी नहीं है, यानी इन तीनों में तो सबसे छोटी वही है, छोटी है इन तीनों में, सबसे छोटी वही है, दोनों से वो लंबी है। चलो अल्लाह आज बिकवा दे, हमारी तो दुआ है। कुछ थोड़े बहुत मैं कह सकता हूँ कि रीज़नेबल मुझे इनके रेट्स लगे, तो ये है बात। आगे चल के देखते हैं, मखदूमाबाद में है ये ब्लॉक भी। असल में दोस्तों मसला बेसिकली ये हो रहा है कि मैं अपना जानवर ख़रीद चुका हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बार्गेनिंग करूँ और ऐसी जो सौदे के लिए बार्गेनिंग की जाती है, लेकिन वो चीज़ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे ये होता है ना कि व्यापारी करीब आके सौदा ना बना दे, अगर बना दिया उसने, वो राज़ी हो गया, तो वहाँ मैं फंस जाऊँगा, मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा, मैं क्या करूँगा। अब इसका एक सॉल्यूशन मैंने निकाला हुआ है, और बहुत सारे जानने वाले हैं जिन्होंने अभी अपना माल ख़रीदना है, और उनके साथ मैं जाऊंगा, उनके सौदे जो है वो इंशाल्लाह कवर करूंगा। तो ये है, लेकिन मंडी में मैं देख रहा होता हूं अगर कोई फ़ैन मिल जाए जिसको सौदा करना हो, तो उनका सौदा हम कवर कर दें, कोशिश करें कि अगर वो ये चाहेंगे कि हम उनके लिए बार्गेनिंग करें, तो वो भी वेल एंड गुड है, नहीं तो हम उनका सौदा दिखा देंगे। इससे भी मंडी के एक्चुअल रेट्स आपको पता चलते रहेंगे कि भाई कितने में सौदे बन रहे हैं, तो अब ये कोशिश है। लेकिन जब आपकी ख़ुद एक आप डिसीजन मेकर आप ख़ुद होते हो ना, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, उसका तो खैर एक अलग ही मज़ा होता है कि आपको अगला बंदा फ्री हैंड दे दे कि बस आप सौदा करो, तो उसका एक अलग मज़ा होता है। तो उसके लिए ये है कि अब मंडी में मैं आप लोग को बता दूं, भाई ज़्यादातर मेरा जो टूर लग रहा है अभी मंडी में, वो रात में लग रहा है, दिन में नहीं लग रहा मेरा, या दिन में लगता भी है ना तो वो असर के बाद है, शाम के टाइम पर। तो आप में से अगर किसी को का इसी टाइम सौदा, मतलब आप लोग आते हो ख़रीदारी के लिए, मैं आपको दिखता हूँ, तो आप लोग बेझिझक उससे मुलाकात करके अपना सौदा अगर आप कवर करवाना चाहते हैं
तो आपका सौदा भी कवर हो जाएगा एक यादगार के तौर पे, और ये है कि जो व्यूअर्स हैं उनको देखने के लिए अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, एक्चुअल रेट्स मंडी के उनको पता चल जाएंगे। तो मेरे लिए कोई वो शर्त नहीं है कि मैं किसी का सौदा कवर करूँगा नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी चाहे वो कर सकता है, ठीक है। माशाल्लाह भाई, भाई ने जो है वो 85,000 की बछिया ख़रीदी है, 85,000 भाई माशाल्लाह, और पट्टी से ख़रीदी है, ये ब्लॉक 14 के साथ जो पट्टी चल रही है माशाल्लाह। बछिया देखें भाई माशाल्लाह, 85,000 की इन्होंने परचेज करी है। क्या डिमांड किए थे इसके? अच्छा, खरीदी 85, डिमांड क्या किए थे? 140 और 85 में हो गया सौदा, बहुत बेहतरीन भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छा सौदा हुआ भाई, नसीब का सौदा है मैं तो कहूँगा, 85,000 में बहुत बेहतरीन सौदा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक की कुर्बानी कबूल फरमाए। बच्चिया देखें, मैं बताता हूँ कहाँ से हुआ है, ये गेट नंबर 3 से सीधा आ रहे हैं आप तो गेट नंबर 4 की और 5 की तरफ, 4 पर क्वेटा पाकिस्तान होटल है, क्वेटा पाकिस्तान होटल से और आगे आएंगे आप गेट नंबर 5 की तरफ, तो ये पट्टी है, पट्टी नंबर 2021 है मेरे ख्याल से। ये देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने इस व्यापारी से सौदा किया है, ये पेमेंट वगैरह के मामला मेरे ख्याल से हो चुके हैं, ये व्यापारी है इससे सौदा किया माशाल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह, एक सब्सक्राइबर एक दोस्त मिले हैं हमें, इन्होंने माशाल्लाह ये 2 बछियाएँ जो है इन्होंने परचेस करी हैं, और ब्लॉक 7 है, नियासिया मस्जिद वाला ब्लॉक है, वहाँ से परचेस करी हैं। दांतों में ही क्या है, दो दांत हैं ना, और क्या इसकी क्या डिमांड की थी उन्होंने? 6 लाख रुपये डिमांड करी थी तुम जोड़ी की, 6 लाख रुपये डिमांड किया था उन्होंने भाई। ये बछिया है एक, और दूसरी बच्चिया ये वाली है, ये पांडे फेस के अंदर है, ठीक है। 6 लाख रुपए इन्होंने डिमांड किया था, और फिर आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ जाके बात बनी? 3.5 लाख रुपए में हमने शुरू किया, 3.5 से शुरू किया, तो सौदा जाके हमारा 4,20,000 रुपए में जाके बना, 4,20 के ऊपर, यानी 2,10 के हिसाब से भी लगाएं तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सौदा है, बहुत ही बेहतरीन सौदा है मैं तो ये कहूँगा माशाल्लाह। नौकरी का भी चल रहा है, तीसरी का, अच्छा तीसरी का चल रहा है, उसके क्या मांग रहा है ये? इसके फाइनल जो है 1.5 लाख रुपए मांग रहा है, फाइनल 1.5 बोल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइनल आप लोगों ने कुछ लगाए हैं इसके? जी जी। कितने लगाए आपने? 1,20 लगाए। अच्छा, अल्लाह करे इसका भी बन जाए आपका सौदा, तो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, 30,000 का रह गया। हाँ, अगर देना चाहें तो बिल्कुल दे दें, तीनों का हो जाए हैं, एक ही गाड़ी में तीनों चली जाएं भाई। ये तो इन्होंने बहुत बेहतरीन ली है, मैं बताता हूँ, मेरा कहना है मंडी लूट ली, अल्लाह आपको नसीब करे, वाकईतन नसीब का सौदा ही है, बहुत बेहतरीन सौदा, 2,10,000 में बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए आपकी कुर्बानी, सही है, वो भी दे ही देगा इंशाल्लाह, जब ये 2 दे दिए इसने तो बेशक अल्लाह वो भी इंशाल्लाह दे देगा, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, ठीक है भाई।